आज मरीना का दिल बहुत उदास है और उसका चमचा उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक से एक चीजें दिखा रहा है लेकिन लगता है सब बेकार है। लेकिन शिकारी जिग पूरा तैयार होकर आया है। अब तू खा ये तीर और मैं खाऊंगा खीर। कौन है? ओए! यह तेरे डैड के डैड है गधे। इन्हें व्हेल कहते हैं। इन्हें तो जाना बहुत दूर था बापू, लेकिन बीच में ही आ गया टापू। ये चंपू बाला तो फंस गई। अरे मैं तो फंस गया यार, कैसे निकलो? मेरा नाम है शार्को, तुम लोग यहाँ से सरको। नो नो शार्को, ये व्हील्स हैं, इन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, देखो। समझ गया मैडम जी, ये बहुत ही प्यारे हैं। ये बिन बुलाए मेहमान कहाँ से आ गए यार? मैं यहाँ से निकलूँ तो कैसे निकलूँ? फंस गया यार। बोले तो कमाल का उड़ जाओ भाई। खाने गया था कबाब और चाप, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीधा या सांप। चल सर्किट देखते हैं करीब जाके। शावर मस्त है ना? और वहाँ बॉडीगार्ड भी पस्त है। मौका अच्छा है जग। मुंह में पानी आ रहा है। हे, कमान सर्किट। बोले तो मजा आएगा भाई, समझ गए? बोले तो क्या बैलेंस है भाई का? यहाँ से निकलो तो कैसे निकलो? थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, कैसा है रे बंदर? ये बंदर तुझे घायल करके पायल बना सकता है। नहीं शार्को, बुरी बात, सॉरी बोलो। मैडम जी ने हटने के लिए कहो ना। मैंने कहा सॉरी बोलो। अच्छा बाबा सॉरी बोला ना, सॉरी सॉरी। अलो पुछू 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 पुछू। तेरी किस्मत का पायजामा फट गया शार्को और मेरे पेट का पिटारा खुल गया। अब तू मेरी तरह चिपक के चलते रहे, बहुत ऊंचा था। बोलो तो भाई टेंशन मत लो, खाली बैलेंस संभालो। ये कहा आ गया यार? घबरा मत, ये व्हेल का पेट है। ये तो म्युनिसिपैलिटी का गटर लगता है। इन द गटर, इतना खाना विद बटर। ये बटर नहीं, एसिड है। एसिड? एसिड? ओ बच्चा, अरे बाप रे, अब क्या करूं? मेरा पेट है खाली और इसका पेट है भरा। इसके अंदर क्या है, चल के देखता हूँ। सर प्लीज हट जा। यस, चलिए मैडम जी। थैंक गॉड, आखिर हम लोग अपने घर पहुंच गए। ओए क्या कर रहे तू? गुस्सा नहीं शार्को। ओके ओके मैडम जी। देखो बच्चे, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, चलो बाहर। दैट्स बेटर। तो तू ऐसे नहीं जाएगा, मेरा ये 250 किलो का हाथ पड़ेगा ना, तो सामने वाला जाता नहीं, सीधा बाहर निकल जाता है। ये बात याद रखना, माय नेम इज शार्को। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। व्हील्स? यस, रास्ते की रुकावट दूर करो। बोलो तो भाई, है किसके पेट में? यहाँ देखता हूँ। बाप रे, पूरा सबमरीन खा गई। अंकल डोनेशन चाहिए था। मुझे भी वही चाहिए था यार। ये तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। मैं भिखारी? ए कमाल, ये बता तू यहाँ आया कैसे? ऊपर से। बहुत ऊंचाई है, कैसे पहुंचूं? ये पहले ऐसे है जेल तोड़कर भागा था। हाथ दे सर्किट, हाथ दे। तो टेंशन मत लो भाई, एक कुर्सी और लगा दो बस भाई, सवाल के। कुर्सी के चक्कर में न जाने कितने लोग गिर जाते हैं, आज मैं भी गिर गया। घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा कटन भी खा गए, अभी कुछ करता हूँ। बोलो तो बस भाई, एक जाओ, सीधो मेरे हाथ में आ जाओगे। ये पकड़ना हाथ। ओह नो, मेरा टब। मैडम जी आप यहाँ पे बैठी हैं यार, वहाँ। शांत हो जाओ शार्को, शांत हो जाओ।
ये देखो, इन्हें यहाँ से यहाँ जाना है और बीच में है ये टापू, इसे हटाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए मैडम जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ओए टापू, हियर कम्स योर बापू। चल अब हट जा यहाँ से, हट जा। ओए, ओए, बाय बाय, फिर दोबारा कभी मत आना। अरे भाई जल्दी बाहर निकलो, अपना टापू तो निकल गया। डोंट वरी सर्किट, बस दो मिनट में आया। वो बच्चा कहाँ गया? हे बच्चे, तू आ रहा है मेरे साथ? नो नो थैंक यू। तेरी मर्जी। वाह डब्बा, हे गुड बाय, फिर मत मिलना। काम बन जाएगा, ऊंचाई तो बहुत है। भाई वो टॉर्पेडो है और ये हथौड़ा है। बोले तो ऐसा मत करना भाई। फूट गया मटका। आसमान से गिरा समंदर में पटका। ये कहाँ से टपका? बोलो तो आप टेंशन मत लो मैडम जी, मैं भाई को संभालता हूँ ना। तू संभाल वरना मैं संभाल लूंगा। नो नो शार्को, इसे भी प्रोटेक्शन मिली है। इस भिखारी को भी? ओह, अरे मैं कोई मामूली नहीं, इंटरनेशनल भिखारी हूँ, समझा? एक जरूरी सूचना, स्पेस में से एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरने वाला है। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर रहें। अरे बाप रे, लगता है इरला कुरला के कान भी खराब है। एस्ट्रॉइड गिरा जहाज पर और जहाज गिरा टापू पर। अच्छा, कसम चूड़ा ढोकले की, इस पनौती टापू को मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इस बार ये ऊपर से कैसे गिरा? चल सर्किट, देखते इसके अंदर है क्या। कवाय, इसे हाथ मत लगा जेक, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बेग, ये अपने डैड की नहीं सुनता तो मैं कौन हूँ? अरे वाह, इसमें तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ए सर्किट, फ्रूट खाएगा? मैं तो खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है यार। भाई बोलो तो इसे खाना मत। कम से कम इसका जूस तो टेस्ट कर। भाई बोलो तो मेरे को नहीं करना भाई। अरे ये तो डबल साइज का हो गया यार, कमाल हो गया। अब ये ग्रीन वाला देखता हूँ, देखते हैं क्या असर दिखाता है। अरे बाप रे, तू तो केकड़ों का बिग भी हो गया यार। रुक जा सर्किट, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। ए सर्किट, एक मिनट, ये है तो बड़े काम की चीज। कैसा होगा अगर इसके असर से मेरे पैर भी लंबे लंबे हो जाए तो? फिर तो मैं आसानी से मरीना को ला सकता हूँ यार। एक बार ट्राई करके देखता हूँ, किस पैर में डालूँ इसमें। सत्यानाश, बंदर के हाथ में तलवार आ गई। टारगेट पीछे रह गया, बंदर आगे निकल गया। अच्छा है। चलो देखते हैं, रेड में अगर ग्रीन वाला मिक्स करूं तो क्या असर दिखाता है। वाव! अब मुझे इसे टेस्ट करके देखना होगा। भाई बोलो तो ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना। अरे बाप रे, जिक को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इसने अपने आप को लकड़बग्घे से जंपिंग डक बना लिया। सच में अच्छा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मैडम जी को छू भी नहीं सकता। ये ले, कुशुम शार्को की, मैं उड़ा डालेगा। अरे बाप रे, जिक का तो बैट लाके खराब है, जंपिंग डक से रॉकेट बन गया। लेके जा रहा यार। क्या स्टाइल है जिक, टाटा बाय बाय। मर गया यार। इसकी खोपड़ी 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहती है, ये अब चुपचाप नहीं बैठेगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो मैं यही से मरीना को ला सकता हूँ अपने पास। उसकी नाक को क्या हुआ यार? अरे मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है यार, लेकिन उसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। आजा जल्दी से मेरे पेट में आजा। तो ये जेलीफिश खा ले, जल्दी खिलाना यार। अरे ये जहरीली है, मत खा। वाह मजा आ गया यार। अब एक कटोरा ले और किसी सिग्नल पर बैठ जा, माला माल हो जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा, जायंट बनकर दिखाऊंगा। अरे जायंट बनने गया था, उल्टा असर हो गया, यह तो मक्खी बन गया है। अच्छा है। माय टेस्टी बरीना। यहाँ अच्छर कैसे आ गए?
बोले तो भाई आप टेंशन मत लो, लेकिन अब बस करो, मुझे डर लग रहा है। आज ये किसी के नहीं सुनेगा, देखना अब इसे तू क्या ऊपर वाला भी नहीं पहचान सकता। लेकिन मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ, और देखना मैं इसे क्या बनाता हूँ। ओए, ओए तो सुधरेगा नहीं। ये तो मैंने मिस्ट्री चैनल में भी नहीं देखा। जरा जाकर देखता हूँ चक्कर क्या है, इन ग्लासेस में क्या है, जरा सूंघ कर देखूं तो। अरे बाप रे, ग्लास में ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम शर्को भाई। ओए जल्दी से बता दे वरना लगता है तो ऐसा नहीं मारेगा। देखता हूँ क्या असर होता है। मैंने समझा ग्लास खाली, उसमें से निकला छोटा खाली, बिल्कुल बलवान खान दिखता है। अब देखता हूँ मेरे पे क्या असर होता है। ओए! गधा भले ही शेर बन जाए, ढेचू ढेचू करना नहीं भूलता। दोनों पहलवान कर रहे हैं मारा मारे, देखते हैं कौन किस पे पड़ता है भारी। इसी बीच ग्लास आकर गिरा सर्किट के ऊपर। अरे बोलो तो मैं गोभी का फूल बन गया। इस बार तो बच नहीं पाएगा ये ले। सर्किट तो गोभी का फूल बन गया है, लेकिन फिर क्या बना है उसे खुद को नहीं पता। जेक की ताकत घटती जा रही है और शार्कों की ताकत बढ़ती ही जा रही है। बाप रे बाप, लेकिन अच्छा है। तू ये सब क्यों झेल रहा है जेक? मरीना के लिए कितने झापड़ झेल चुका हूँ, कितने पापड़ बेल चुका हूँ, कितने रूप बदल चुका हूँ, लेकिन मेरा टारगेट एक ही है, मरीना को खाना। खा 250 किलो का मुक्का, इससे पेट भरता नहीं भर जाता है। अरे बाप रे, केमिकल समंदर में फैल गया, अब सबको केमिकल लोचा हो जाएगा, एक के दो हो जाएंगे, वेल टाइगर बन जाएगा, अच्छा होगा क्या? ये क्या हो रहा है? मिस्ट्री चैनल के एक साइंटिस्ट ने इस केमिकल को जमा करने का फैसला किया है, देखते हैं वो इस केमिकल से क्या बनाएंगे। जाल से मछली पकड़ते देखा है, लेकिन केमिकल पकड़ते कभी नहीं देखा। लगता है बन गया केमिकल कोल्ड ड्रिंक, देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। चलो पूरे बीच को साफ करो इसी वक्त। इसे ही कहते हैं जैसे करने वैसे भरने। बोले तो भाई आपको देख के वो पुराने दिन याद आ गए, जब आप होटल में पोछा लगा देते हो। बोले तो आज मौसम बड़ा प्यारा है क्योंकि ये हॉर्न कौन बजा रहा है? मरीना हैरान मत होना, शार्को का अंदाज यह है पुराना, तुम अपना दिल थाम क्या बैठना। शार्को अचानक करोड़पति से करोड़पति कैसे बन गया? मैडम जी कैसी लगी मेरी एंट्री? आओ आओ मैडम जी, गड्डी में बैठ जाओ। यूकी मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्या तबला तोड़ कार लाए हो शार्को? ये इंजन को चलाने का तरीका भी बहुत अलग है। बिल्कुल रॉयल कार है। पता नहीं मैडम जी का बचपना कब कम होगा। भाई बोले तो जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम भी सोच रहे हो क्या भाई? लगता है मैडम जी बोर हो रही हैं। बटन दबाते हैं इनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये फूल किस लिए? प्यारी प्यारी मैडम जी के लिए। वो रहा जेग और उसका दो सर्किट, चलो उनकी मदद करते हैं। क्योंकि मैं बीमार को देखकर ही बीमारी का इलाज बता सकती हूँ। बोले तो अंदर जाके इलाज करो। सर्किट मेरे यार, तेरा आइडिया तो रॉक है यार। इसका आइडिया तो रॉक था, लेकिन तेरी किस्मत हमेशा की तरह फ्लॉप है। ओए जेग के बच्चे, हमेशा एक बात याद रखना, पाँव में लगी मोच और गंदी सोच लेके कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
यूं ही मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ओह ज़िग, ये रही तुम्हारी गाड़ी की चाबी। ज़िग कहाँ है? मुझे नहीं पता मैडम जी। ऐसे कैसे पता नहीं? शार्को, ये बैलगाड़ी नहीं फरारी है, इसे ज़्विंग ज़्विंग करके चलाओ ना। दरअसल मैडम जी बात ये है कि हाँ याद आया, दरअसल मैडम जी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या करूँ मैडम जी, कार में तो पेट्रोल ही नहीं है। शार्को मैं तुम्हारे बहाने अच्छी तरह से जानती हूँ। मैडम जी बस 5 मिनट रुको, मैं 20 मिनट में आया। यूकि कितना मजा आएगा अगर कार मैं चलाऊंगी तो। बोले तो जब तक भाई का काम नहीं बन जाता तुम ऐसे स्टैचू बन के खड़े रहो शार्को। हाय मरीना, आज सपना होगा मेरा पूरा तुम्हें खाने का पुराना। तुम उस तरफ बैठो यार, कार मैं चलाऊंगा। वाव, मुझे कार चलाने से आज तुमको क्या कोई नहीं रोक सकता। शार्को यहाँ बैठो, तुम्हें सिखाती हूँ कार कैसे चलाते हैं। शार्को अब अपने सीट बेल्ट का साथ साथ कमर का बेल्ट भी ठीक से बांध लेना, क्योंकि आज ये फरारी दौड़ेगी नहीं बल्कि उड़ेगी। लगता है आज मैडम जी फास्ट एंड क्यूरियस पार्ट 5 देख के आई है। ओ मैडम जी, मेरा छोटा सा दिल इतना बड़ा झटका नहीं सह सकता, जरा स्पीड कम करो मैडम जी। शार्को तुम तो काफी कमजोर निकले, ये ट्रैफिक पुलिस यहाँ कैसे आई? ओए मुझे कोई हॉस्पिटल लेके चलो यार। बोले तो टेंशन मत लो, सरकारी जेल में तुम्हारे लिए फॉर्म भर के रखा है। यू आर अंडर अरेस्ट। बोले तो तलाशी लेनी पड़ेगी। यूकी, क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। देखा तेरी जिद का नतीजा। भाई बोले तो मुझे अकेले छोड़कर किधर जा रहा भाई? ओ मैडम जी मेरी कार। मैडम जी अभी तक मैंने इसका पहला इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा है, अब मुझे बाइक ऑर्डर करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट सर्विस। ओ मेरी बाइक। बड़ा पैकेट छोटा धमाका। ओए सिंह के बच्चे, अभी तुझे दिखाता हूँ। शार्को यह काम तू आज मरीना पर छोड़ दे, क्योंकि मरीना आज किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं बच गया। ये कहाँ से आ गया? सिंह मैडम जी को खाने के बारे में सोचना भी मत। शार्को मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, अभी तेरा पत्ता कट करता हूँ यार। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। वाव मरीना, तुम्हें खाऊंगा लगा के धनिया पुदीना। ओए सिंह, मैडम जी को बचाने के लिए मैं तो पाताल से भी लौट आऊंगा, तू तेरी सलामती के बारे में सोच। पापा! ओए बिना बेस के डीजे, चल निकल यहाँ से। बच गई। ये क्या फिर से? मैडम जी अब तुमने 50 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि इस कीड़े ने आप पर केस ठोक दिया है। मेरी सारी सब्जियां गिरा दी, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। अरे मैडम जी बात को दिल पे मत लो। ये दोनों फिर आ गए, लिफ्ट दे दो रे यार। ज़िग और उसका दोस्त, चलो उन्हें लग देते हैं। बिना कुछ किए ही मुसीबत चली गई। वो दोनों कहाँ गए? I have no idea, मैडम जी। रोमांटिक मौसम में मान लो बीच रास्ते में अगर हमारी कार खराब हो जाए और वो एक ऐसी जगह जाके रुक जाए जहाँ हम प्यार भरी दो बातें कर पाए, तो बताओ ना मैडम जी आप क्या बातें करोगी? यूकी, सबसे पहले मैं कार ठीक करने के टूल्स ढूंढने की कोशिश करूंगी।
सर को तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब तुझे अकेले ही रोमांटिक मौसम का मजा लेना होगा बस, क्योंकि यहाँ जिग और सर्किट को ऐसी लिफ्ट मिली है जो पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। शार्को, आज हम खाना नहीं धूप खाएंगे, मेरा मतलब है धूप सेकेंगे। आने दो, बोले तो आने दो भाई। पहुंच गया सर्किट। दोस्तों के पुराने कच्चे बेच के भारी ऑफर में खरीदा ये सुपरमैन का कच्चा। और ये हुई ना बात। शार को पेट में गड़बड़ है तो बाथरूम जाकर आओ। इसका पेट नहीं पेटला है, लोगों के सिक्स पैक होते हैं, इसका एक पैक में ही काम खत्म। और तुम सबको बाद में देखता हूँ। इसका पेट नहीं समंदर की लहरें है, इसे छूना मत वरना हाई टाइड आ जाएगा। ओ शार्को, तुम्हें तो जिम जाना चाहिए। मैडम जी ऐसे मत देखो, मैं शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। भाई तुम्हारी मेरी यारी, मुंह देखती रह जाएगी दुनिया सारी। जल्दी चलो शार्को, हमें दे। इसे क्या हुआ? अरे शार्को कब तक ऐसे छुपते छुपाते हुए चलेगा, एक ना एक दिन तेरी पोल खुल ही जाएगी। चलिए मैडम जी मैं आ गया। चाइनीज थेरेपी वाला स्पा, वो भी मेरे घर में, अब तो बड़ा मजा आएगा। चलो शार्को, अब तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ये तो जन्नत जैसा खूबसूरत है। मरीना तुम्हें तुम्हें फ्राई करके सॉरी, तुम्हारा स्वागत है यार। थोड़ा सब्र कर ले जिग, सब्र का फल मीठा होता है। ज्यादा मीठा खाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। मैडम जी ये क्या कर रही है आप? मैडम जी आप रहने दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। शार्को यह पेट नहीं पिटारा बन गया है और इसका लॉकिंग सिस्टम भी खराब हो गया है। जेग, यह वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ओ मरीना, इसे अपना ही घर समझो यार, शर्माओ मत प्लीज। ओए, ये इसका ही घर है ना, तू तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कम ऑन मरीना, अब देखना मेरे हाथों के जादू से कैसे तुम्हारा पीठ दर्द उड़न छू हो जाएगा यार। ओए, उधर देसी तरीका और इधर बिलायती। शार्को मेरे यार, जमाने के साथ साथ चलना चाहिए, ये डिजिटल जमाना है यार। ओ, मेरे रास्ते का कांटा बेहोश हो गया। अब मैं जैसे ही ये लाल बटन दबाऊंगा, मरीना यहाँ से उड़कर सीधे सर्किट के मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाएगी। कैसा लगा मेरा प्लान? शार्को मसाज की बारी तुम्हारी। इसे कहता है सही निशाने पर गलत तीर का चलना। ओए, ये मैं कहा गया? वहाँ जिग मैडम जी को खाने की कोशिश कर रहा होगा, मुझे जल्दी भागना होगा। मैडम जी मैं आ रहा हूँ। इसे कहते हैं जुनून, चाहे पसीना बहे चाहे पेट आड़े आए, अब शार्को नहीं रुकने वाला। मरीना, इस बार मैं तुम्हारा चीज पुडिंग बना के खाऊंगा यार। ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? ओए जिग के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो मरीना को लेमन जूस दे रहा हूँ यार। कहते हैं स्विमिंग करने से वजन कम होता है, फिर मेरा वजन कम क्यों नहीं हुआ? तू फिक्र मत कर शार्को, मैं हीटर फुल कर देता हूँ, तेरी कैलोरी क्या, तू भी बर्न हो जाएगा। मैडम जी मेरे तो पसीना छूट रहे हैं। तू ऐसे ही पसीना बहाते रहे, मरीना को इसकी कोई जरूरत नहीं, ये और भी पतली हो जाएगी तो मैं क्या सिर्फ हड्डियां चबाऊंगा। ओए जेग फिर अपनी चाल चल गया। मैं तुझे तेरे घटिया इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा जेग। ये फिर आ गया, इस बार मरीना तुम्हारे हाथ नहीं आएगी शार्को, अब तुम इसे भूल जाओ। मैं मैडम जी को भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तू मैडम जी को खाए ये मैं होने नहीं दूंगा। तो अब उसके बदले तुम ऊपर जाओगे। ओए कोई रोको इसे। तू फिक्र मत कर शार्को, यहाँ तेरी लैंडिंग सेफ होगी। मैडम जी मैं आ रहा हूँ। अब थोड़ी सी काली मिर्च और मरीना मेरे पेट में। शार्को तुम फिर आ गए, मैं तेरी चपाती बना दूंगा। इसे वाटर फोर्स थेरेपी कहते हैं, इससे वजन ज्यादा से बिल्कुल आधा हो जाता है, और जिनका वजन पहले से कम है वो हवा में उड़ जाता है यार। ओ, ये पानी बंद कैसे हो गया? मैंने तो फुल पेमेंट किया था, फिर ये हाफ सर्विस क्यों यार? ओए मैं भी आज तेरा फुल एंड फाइनल क्लियर कर देता हूँ। शार्को तू तो सेफ है, लेकिन कोई और अनसेफ है। अरे शार्को, कब तक तेरी ये बकवास हेड स्टोरी चलती रहेगी? सेम सीन, अगर सेम सीन चलता रहा तो ऑडियंस उठ के निकल जाएंगे। जल्दी से कुछ कर। ओ
मरीना, अब आखिरी थेरेपी बाकी है यार। ये कैसी थेरेपी है? मैं बताता हूँ। ओह माय गॉड, शार्को वो भी सिक्स पैक के साथ, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ओ मरीना, उसकी तारीफ बाद में करना, पहले मेरे साथ चलना। शार्को तू चाहे कितना भी पतला हो जा, लेकिन इस नाली में फिट नहीं हो पाएगा यार। ओए आता माजी सटक ली जे गाली रानी, आता तोजी बारी आली। ओए ये पानी कहाँ चला गया? अब चाहे सिर फूटे चाहे टांग टूटे, मुझे नीचे जाना ही होगा। वाह क्या फ्लेक्सिबल बॉडी है, लगता है श्यामदेव बाबा के योगा क्लासेस का कमाल है। यहाँ तो काफी मजा आ रहा है। यही मजा उसके लिए सजा बनने वाली है। ये अंदर कैसे आ गया? मरीना भागो। ओए कहाँ तक भागेगा, आज मैं तुझे नानी याद दिला दूंगा। इतनी अच्छी राइडिंग का मजा तो मुझे असल वर्ल्ड में भी नहीं आया था। ओए तूने क्या सोचा था, मैं खुश हो जाऊंगा, शाबाशी दूंगा, आज तेरी खैर नहीं। ओए टाइटैनिक के डूबते जहाज ठीक से बैलेंस करना। मजा आ गया। ओए तो फिर आ गया, मैं तेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दूंगा। जेड कितनी करेगा फिजूल के, जेड अब यूं ही गिरता रहेगा या बचने की कोशिश भी करेगा? तू मुझे नहीं जानता शार्को, मैं दूध में से पानी अलग कर सकता हूँ, तो तू क्या चीज है यार। मैं चुटकी में मरीना को तुझसे अलग कर दूंगा। तुम्हारे रूट की सारी लाइनें बंद हो चुकी है, मजे करो यार। ओए, मैं भी अंग्रेजों के जमाने से स्टंट करके आ रहा हूँ, मैं तुझे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ के तो दिखा। आज तो तुम जैसे गधे के साथ भी राइडिंग का मजा आ रहा है। बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई बोले तो गलती से मिस्टेक हो गई। आज तो बहुत मजा आया। मैडम जी हटिए। ये क्या शार्को, तुम तो बिल्कुल बिंगो से एक्शन हीरो बन गए। थैंक यू मैडम जी। मैडम जी आपको भूख लगी होगी ना? बोले तो बंदा सेवा में हाजिर है भाई। मैडम जी खाइए मैं खाऊं, बात तो एक ही है ना। तुम्हारा पेट फिर से आगे आ गया। जरा देखूं तो आज की बासी खबर में क्या छपा है। अरे अकल के दुश्मन, तूने बासी खबर के चक्कर में खुद के लिए मुसीबत की खिड़कियां खोल दी है। और यह क्या, साथ में सारा लगेज भी गलत जगह पर लोड हो गया। क्या बात है, अब समझा, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है यार। वो कौन है? ए चिड़ी महार, चिड़िया की तरह ऊपर क्यों बैठा है? दम है तो नीचे आके बात कर, अगर तू शेर है असली तो इस सिंगल पसली के साथ लड़के दिखाना। वाव बाय बाय शार्को, मेरा असली निशाना तो मरीना है। वाव यूकी, ये तो ट्रैम्पोलिन है। कितना मजेदार गेम है। तुम्हें गिरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? तुझे इस खेल में बड़ा मजा आ रहा है ना? इस ट्रैम्पोलिन के जाल में मरीना खुद फंस जाएगी। फंस गई? ओ, मरीना तुम पहले खेलो ना। इस इलाके पहली बार तूने कोई अच्छा काम किया है। गुड। हमेशा मेरा प्लान चौपट करने वाले, कैसा लगा मेरा गेम बताओ। ओ मरीना, आज तो किसी भी हाल में है तुम्हें खाना। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, जल्दी कुछ कर। ओए मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, अभी डेमो दिखाता हूँ। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो डिब्बे को उल्टा करना चाहिए। चलो मरीना ना। मैडम जी ओए, आ गया सारा मामला समझ में। ओए मेरी आइसक्रीम, ये बच गया। शार्को यहाँ कदम कदम पर खतरा है, आइसक्रीम छोड़ मरीना को बचाओ।
बेवकूफ आइसक्रीम बचाने में लगा हुआ है। ये है बेवकूफी की सबसे बड़ी मिसाल। ये देखो, जिद की एक सजा सबको भुगतनी पड़े। बना हुआ काम बिगाड़ने वाले, आइसक्रीम का बिल भी तू ही चुका दे और एक दूसरा भी खरीद के दे। मेरे बड़े बड़े स्टैंड देख के मरीना जरूर मेरी फैन हो जाएगी ना। ये बात है जिग, मैं भी आती हूँ, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। ओए जिग के बच्चे, ओए ये तो गया ऊपर। तुम्हारे लंबे हाथ मुझ तक पहुँचने के लिए छोटे पड़ेंगे यार। ओ मरीना, आज खाऊंगा तुम्हें लगा के धनिया पुदीना। इसे कहते हैं ट्रायंगल। मरीना खेल में बिजी और जिग मरीना को खाने में बिजी और शार्को जिग को पीटने में बिजी। इससे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा ना। मुझे भी तुझे ठीक करना आता है। रास्ते में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मैं मरीना तक पहुंच कर ही रहूंगा यार। ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है। बोले तो भाई ने इस बार पिटाई दिल पे ले ली। सर्किट मेरे दोस्त, मेरी तो बैड लक ही खराब है यार। बोले तो ऐसी क्या बात हो गई? आंख और नाक दोनों को गम पे लगा दिया। भाई की आंखों में पानी देख सकता हूँ लेकिन नाक के पानी नहीं देख सकता भाई। सर्किट तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं समझ गया कि मुझे करना क्या है। मरीना तुम्हारे लिए गिफ्ट। अब आएगा मजा। गिफ्ट देने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मैडम जी? वाओ, मेरा ट्रैम्पोलिन। मैं ये ट्रैम्पोलिन घर में रखना नहीं दूंगा, इसे मैं फेंक दूंगा। चार्को तो पोटली में बंद गया। मरीना उसे छोड़ो और बाहर देखो, ऐसा नजारा तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ट्रैम्पोलिन, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे देख के मेरे मुंह में सुनामी आ गया। शार्को जल्दी कुछ कर, नहीं तो कचरे वाले तुझे कचरा समझ के रिसाइकल करेंगे। कर दिया। मरीना आगे मत जाना, आगे खतरा है। क्योंकि यहाँ तो ट्रैम्पोलिन की दुकान है। भाई बोले तो अच्छा हुआ आप आ गए, आपका खाना तैयार है भाई। मरीना सच हो गया मेरा सपना। ओए, उसके लिए तुझे दूसरा जन्म लेना होगा। अरे भाग तक आए। जेक, आज तूने हाथ कर दी, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पत्ती से तुड़वाने के लिए तैयार हो जा। थोड़े बहुत पैसे मुझे भी आते हैं, अब ऐसे ही उछलते रहना यार। कमान मरीना, अब तुम्हें खाने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। जब तूने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी, उसे ट्रैम्पोलिन के साथ खाने की क्या जरूरत थी? वो मैडम जी को खाने जा रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छे के लिए ही होता है, कोई भी गिरकर ही संभलता है। ओए जिक्के बच्चे, बहुत हो चुका तेरा तमाशा। शार्को, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत जोर की चोट लगी। मैडम जी फिक्र मत करो, मैं आपको बैंडेड लगा देता हूँ। नहीं, कहाँ फंस गई मैं? ये दर्द तक कहाँ जाएगा, नसा हो जाएगा। यहाँ से जाने में ही बुलाई है। मरीना तो चली गई, लेकिन इनकी खुन्नस अभी बाकी है।